संजीव बैशियस व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ एक वर्कशॉप में और आज आप सबको दिखाएंगे गार्ड वैन जो कि मेरे पीछे खड़ा है। ये वो गार्ड वैन है, भी मालगाड़ी जब चलती है उसके पीछे जो गार्ड रहते हैं, जो गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, अंदर में क्या क्या है और क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसा है अंदर से, सब कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले बाहर से दिखाते हैं। यह है गार्ड वैन जो कि यहाँ पे लिखा है LV यानी कि लास बेगल, और एक जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला लाइट चलता है, रेड लाइट, ताकि सबको पता चले कि ये लास बेगल है। तो चलते हैं हम ऊपर। ऊपर में कुछ इस तरह से है, चलते हैं अंदर में। तो यहाँ पे है सीट जो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है बस। और यह है टेबल जो कि लोहे के बना है, और साइड में इस तरह से है, और साइड में खिड़की है जो कि देख सकते हैं आगे और पीछे दोनों तरफ, और बिल्कुल ऐसा ही सेम दोनों जगह बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है। ये टेबल है और ये सीट, सीट में बैठ के देखते हैं। तो सीट बिल्कुल आरामदायक तो है नहीं बिल्कुल, और यहाँ पे और कुछ नहीं है। हाँ, एक ये है, आपको ये आपको हमेशा दिखेंगे, ये हैंड ब्रेक है जो घुमाने से आपका ब्रेक लगता है। और ये टॉयलेट है, देखिए बिल्कुल खुला हुआ टॉयलेट, कोई ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर गार्ड सिर्फ अकेले रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरवाज़ा बंद करके टॉयलेट कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट का कोई रूम एक्स्ट्रा नहीं है, यही है। और ये गाड़ी रात को भी चलती है ऐसे ही, तो इसमें कहीं भी लाइट नहीं है, आपको कहीं भी लाइट नहीं मिलेगा क्योंकि ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, यानी कि रात को कोई भी रोशनी या लाइट जला के वो लोग चलते हैं, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा ही रहता है। और यहाँ पे फिट पाइप और ब्रेक पाइप का ये है, लेकिन यहाँ पे घड़ी नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे घड़ी होना चाहिए। तो वही, बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे छोटा सा रूम है और बाहर ऐसा है। तो कितनी मुश्किलों में सफ़र करते हैं गार्ड साहब मालगाड़ी का, खासकर जो कोचिंग का होता है वो अलग होता है, वो थोड़ा सा मॉडिफाई होता है और थोड़ा सा आरामदायक भी होता है, लेकिन जो मालगाड़ी पे सफ़र करते हैं गार्ड, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, कुछ भी नहीं है, बस एक बैठने के लिए सीट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर दिखाएँगे अगले ब्लॉग में कुछ और, तब तक के लिए बाय बाय।